गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 8A, क्वेश्चन नंबर 17। द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट्स 12% पर ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 6,16,000। फाइंड इट्स वैल्यू अ ईयर अगो। बच्चों, एक डेप्रिसिएशन क्या होता है, जब किसी भी हम व्हीकल को खरीदते हैं तो उसका रेट पर ईयर कुछ ना कुछ लेस हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ जो है पुराना ही होने के कारण उसकी वैल्यू जो है पर ईयर कम हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे कि अब आप कोई 40,000 का यदि कोई एक्टिवा या स्कूटर लेते हैं तो आपको वो 35,000 पर बिकता है या 30,000 पर आगे सेल होता है। तो कम पर क्यों होता है, क्योंकि उतना वो घिस चुका होता है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएटेड वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिसिएट्स 12% पर ईयर, यानी कि कार की जो हर साल वैल्यू कम होती है वो कितनी होती है, 12%। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इस समय उसकी वैल्यू जो है वो 6,16,000 है डेप्रिशिएट होने के बाद, तो फाइंड इट्स वैल्यू अ ईयर्स अगो। तो हाउ वी कैन फाइंड इट, फर्स्ट वी फाइंड लेट्स वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कार टू बी 100। डेप्रिशिएटेड बाय 12% आफ्टर डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ कार। देखिए 100 में से 12 उसकी वैल्यू जो है वो कम हो गई, तो कितना आ गया, 100 माइनस 12 इज इक्वल टू 88। तो इफ वैल्यू ऑफ आफ्टर डेप्रिशिएटेड 88, देन वन ईयर अगो, यानी कि ये एक साल बाद का वैल्यू है 88, पहले कितना था, यानी कि 100। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू की जगह यहाँ क्या लेंगे कि लेट्स वन ईयर अगो वैल्यू ऑफ अ कार टू बी रुपीज़ 100। तो अब आप ये बताएं, इफ प्रेजेंट वैल्यू 88 रुपीज़, देन वन ईयर अगो वैल्यू ऑफ कार इज़ इक्वल टू रुपीज़ 100। जैसा कि हमने अभी इसको माना है, 88 वैल्यू हो जाती है प्रेजेंट, तो पहले एक साल पहले कितनी थी उसकी वैल्यू, 100। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज रुपीज़ 1, देन वन ईयर अगो वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 100/88। तुम्हें पता है कि जब 1 का वैल्यू निकालते हैं तो ये वैल्यू ऊपर रखते हैं और इसको हम यहाँ पर नीचे ले जाते हैं। अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, अब अपनी वाली लेंगे। इफ प्रेजेंट वैल्यू इज 6,16,000, देन वन ईयर अगो वैल्यू ऑफ कार इज इक्वल टू 100/6,16,000 डिवाइडेड बाय 88। 88 7 6,616 और हाउ मैनी 0 3, तो कितना हो गया, 100/7,000 इज इक्वल टू 7 lakh, यानी कि वन ईयर अगो उस कार का वैल्यू 7 lakh था, जो डेप्रिसिएशन के बाद कितना हो गया, 6,16,000। तो आप क्या लिखेंगे, वन ईयर अगो वैल्यू ऑफ कार वॉज रुपीज़ 7 lakh।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्कूटर वॉज बॉट एट ₹40,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स। यानी कि पर ईयर उसमें 8% जो है उसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, तो आपको आफ्टर 2 ईयर्स उसकी वैल्यू बतानी है। तो फर्स्ट राइट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ स्कूटर इज ₹42,000, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% पर एनम मीन्स पर ईयर। तो आप पहले क्या क्या लिखेंगे, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% ऑफ 42,000। यानी कि जिस भी रेट पर कोई चीज़ खरीदी जाती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, 8% ऑफ 42,000, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 42,000, 20 कट बाय 20, 800, 8 2 16, 8 4 32 और 1 33। यानी कि फर्स्ट ईयर में उसकी वैल्यू कितनी कम हो गई, 3,360। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ स्कूटर। तो बच्चों क्या होता है, पहले वैल्यू कितनी थी, 42,000, इतना इसका डेप्रिसिएशन लग गया, तो इसमें से वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस। 42,000 माइनस 3,360, 0, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6, 4, 9 माइनस 3, 6, 11 माइनस 3, 8, 3। तो कितना वैल्यू आ गया, आफ्टर 1 ईयर वैल्यू ऑफ स्कूटर इज इक्वल टू 38,640। नाउ डेप्रिसिएशन, अगेन डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू हाउ मैनी परसेंट, कितना परसेंट था बच्चों डेप्रिसिएशन बताओ, कितना डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% अगेन पर एनम। यानी कि एक साल के बाद वैल्यू उसकी कितनी हो गई थी, 38,640, उस पर फिर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 8% ऑफ 38,640। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो जो वैल्यू कम होकर आई थी उस पर लगेगा, 8/100 मल्टीप्लाई बाय 38,640, 0 कट बाय 0, 2 4 8, 2 5 10, 3,864 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, 4 8 32, 32 और 2, 34, 4 3 12, इसको बच्चों अलग से ही कर लेते हैं मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 6 24 और 1 25, 4 8 32, 32 और 2, 34, 4 3 12, 12 और 3 15। तो कितना आ गया ये हमारे पास, 15,456 डिवाइडेड बाय द 5। नाउ डिवाइड बाय द 5, 5 3 15, 4 9 जाएगा 0, 4 5 9 45, 5 1 5.20। तो अब डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आ गया, 3,091.20। ये क्या आ गया, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। Now, after 2 years, value of scooter is equal to, तो अब first year के बाद कितनी value थी, 38,640, इसमें से depreciation की value निकाल देंगे, 20 लगाएंगे point लगा के, 3091.20।
ज़ीरो, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 1 8, 13 माइनस 9 4, यहाँ पर क्या आएगा 5, 8 माइनस 3 5 3, तो कितना हो जाएगा बच्चों, आफ्टर 2 ईयर्स वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 35,548.80 रुपीज़। क्लियर एवरी वन? क्वेश्चन नंबर 19, 100 ग्राम पैकेट ऑफ कॉफ़ी कॉस्ट ₹90 एंड 1 किलोग्राम पैकेट ऑफ टी कॉस्ट ₹250, फाइंड द रेशो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी दैट ऑफ टी। तो बच्चों ये 100 ग्राम पैकेट कॉफ़ी का कितना है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम पैकेट ऑफ कॉफ़ी इज इक्वल टू ₹90। अब इसमें वन, लेकिन हमें जो टी का कॉस्ट दिया है वह 1 kg का दिया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम पैकेट ऑफ टी इज इक्वल टू ₹250। अब हमें इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए दोनों का ही 100 ग्राम का पैक हमें लेना पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम पैकेट ऑफ टी इज इक्वल टू 250 / 1000, कॉस्ट ऑफ 100 ग्राम पैकेट ऑफ टी इज इक्वल टू 250 × 100 / 1000, 30 cut by 30, तो कितना आया ₹25। तो अब आपको क्या लिखना है, रेशो ऑफ, किसका रेशो पूछा है बच्चों, रेशो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी ऑफ कॉफ़ी और प्राइस ऑफ टी। अब हमने दोनों का क्वांटिटी सेम कर दिया, इसमें भी 100 ग्राम पैकेट का निकाल लिया, इसमें भी, तो अब आप प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या लिखेंगे 90 और प्राइस ऑफ टी क्या लिखेंगे 25। 90/25, नाउ सॉल्व इट, 5 ones are 5, 5 8s are 40, 5 5s are 25, तो व्हाट इज़ द रेशियो, 18:5, तो आप क्या लिखेंगे, रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ कॉफ़ी टू प्राइस ऑफ टी इज 18:5। क्लियर?